हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक ज्योमेट्री का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आया हूँ। सो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है और उस रेक्टेंगल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। जैसे कि ये जो BM है और ये जो MC है, मतलब M इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसी के साथ में लेंथ्स भी गिवन है कि जो DN है वो है 7, NC जो है वो है 9 के बराबर, और ये हमें एंगल गिवन है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है। इतना सारा कुछ डेटा ये हमें गिवन है। सो बेसिकली यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि या कंसिडर कर लेते हैं कि BM ये x के बराबर है, तो जो AD है वो हो जाएगा 2x के बराबर। सिमिलरली इसी तरह से ये है 7, ये है 9, इनका सम हम देखें तो वो होगा 16। सो इस हिसाब से जो AB है उसकी जो लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर के बराबर। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको समझा दूं। देखिए, सभी जो भी स्टेप मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आपको अच्छी तरह से समझना है। अब यहाँ पर एंगल्स गिवन है तो हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा। कुछ भी चीज स्किप करने की कोशिश ना करें, हर चीज समझे। क्योंकि ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए, पर इससे जो आप सीखेंगे वो आपको दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। तो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हमें हमेशा लर्निंग की स्टेज में होना चाहिए और एक ब्लैंक पेपर की तरह होना चाहिए ताकि जो भी है वो हम अपने अंदर उसको उतार पाए। ठीक है, सो लेट्स गो टू प्रॉब्लम। सो जो ट्राइंगल ABM है उसमें हमें पता पड़ गया ये एंगल अल्फा है, ये है 16 मीटर, और जो BM है वो हमें अननोन है, उसको मान लिया हमने x। अब ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, उसमें से इतना जो पार्ट है वो है 2 अल्फा। ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 अल्फा के बराबर। सिमिलरली ट्रायंगल की हम बेसिक प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस 2 अल्फा है, ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा के बराबर। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की जो सिंपल आइडेंटिटीज है उसका यूज करेंगे। ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABM यहाँ पर मैं 10 अल्फा निकालना चाहूँ तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। 10 का जो एंगल है वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के लिए निकालना है तो अल्फा के जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा x/60। देखिए, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो क्या होती है, हाइपोटेनस, और जो बची हुई साइड है वो क्या होती है, बेस। तो ये 10 अल्फा का वैल्यू निकल गया। और हम एक और ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ADN, यहां से मैं 10 2 अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। 10 2 अल्फा कितना हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 2x/90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो बची हुई जो साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस। 2x/7 ये हमें मिला। 10 अल्फा मिल गया हमें, 10 2 अल्फा मिल गया है। अब हमें पता है कि 10 2 अल्फा और 10 अल्फा में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, 10 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर अल्फा। ये 10 अल्फा और 10 2 अल्फा के बीच में रिलेशन होता है, इसका हम यहां पर यूज करेंगे। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें। टू अल्फा की वैल्यू जाएगी यहां पर और 10 अल्फा की वैल्यू जाएगी यहां पर, सब्सिट्यूट करें। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज वी हैव, क्या मिलेगा हमें, 2x/7 इक्वल्स टू 2 10 अल्फा, तो 2 × x/16 अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2x बाय 7 इक्वल्स टू 2x बाय 16 इंटू, यहाँ पर एलसीएम वगैरह सब ले लिया है मैंने, 16 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं कुछ टर्म कैंसिल कर सकता हूँ, जैसे 16, एक 16 से एक 16 कैंसिल हो गया और 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें। ओके, सो हमें मिलेगा 16 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 7। इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 16 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 16 और फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 16। इन दोनों ही में से हम 16 कॉमन ले सकते हैं। देखिए डॉट जो है ना, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करा है ना, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मैंने 16 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 16 माइनस 7 बचेगा, और 16 माइनस 7 कितना होता है 9। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 9 और हम स्क्वायर रूट लेके एक्स की वैल्यू निकालें तो वो बराबर हो जाएगी 4, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 9 का हो जाएगा 3। सो 4 इंटू 3 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर, एक्स हो गया 12, सो 2x कितना हो जाएगा 24 के बराबर। ये हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9 है, तो हमें यहां पर दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस 12 मिलेगी, एक माइनस 12 मिलेगी, ठीक है। सो माइनस 12 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहां तक हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल का जो आइडेंटिटी से वो यूज, उसका यूज करा और एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब मुझे ये जो सॉल्यूशन है उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इतने पार्ट को अब रब कर देता हूं। तो हमें अब ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल पूरे का एरिया निकाल लें। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इसकी जो हाइट है वो है 16 और जो विड्थ है वो है 24 के बराबर। ओके, सो 24 इंटू 16 ये इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, और 24 इंटू 16 ये आप सॉल्व करें तो ये आएगा 384 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये पूरा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमारे पास आ गया है। अब उसमें से मैं ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों के ही जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दो, तो मुझे जो बचा हुआ रीजन होगा वो ऑब्वियसली ब्लू वाला रीजन होगा जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है। सो एरिया निकालना है मुझे ट्रायंगल एबीएम का, जो कि बराबर होगा हाफ इंटू, इसका जो बेस है वो है 12 और हाइट है 16। ओके, सो 2 1 2 6 और 6 इंटू 16 ये हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एन, जो कि बराबर होगा हाफ इंटू बेस जो है वो है 7 के बराबर और जो हाइट है वो है 24 के बराबर। सो 2 1 2 12 ये कैंसिल हो गया, 7 12 कितना होता है 84 मीटर स्क्वायर। ओके, इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये आएगा 180 मीटर स्क्वायर, इनका एरिया हम ऐड कर लें तो वो बराबर आएगा 180 मीटर स्क्वायर के। सो जो रेक्टेंगल है उसमें से 180 मीटर स्क्वायर हम माइनस कर दे तो बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा 204 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है ब्लू रीजन का। ओके, सो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आता तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।